हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पॉलर टिप्स एंड टच अप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस ज़रूरी, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कॉस्मो का फेशियल अपने क्लाइंट को। बहुत अच्छा फेशियल है, तो आप भी अपने क्लाइंट को दे सकते हैं अपने पार्लर में इस तरीके से। आपको पहले अपने क्लाइंट को करवा लेना है चेंज। तो हमारे यहाँ क्या है, छोटी सिटी है, इसीलिए वो लोग जो चेस्ट से गाउन स्टार्ट होते हैं वो नहीं पहनते हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके की मैक्सी गाउन रखे हुए हैं। तो मैं अपने क्लाइंट को यही कैरी करवाती हूँ जब भी मैं फेशियल करती हूँ। तो मैं सबसे पहले कर रही हूँ क्लिंजर, और जो भी मेरा आगे का वीडियो था वो इसमें से कट हो गया है, सो उसके लिए सॉरी। हमें पहले करना है क्लिंजिंग मिल्क से, अच्छे तरीके से हम क्लिंजर कर लेंगे। हमें क्लिंजर जब भी हम करते हैं ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे फेशियल में। सो हमें कभी भी फेशियल 2 से 3 मिनट कहते हैं, 2 से 3 मिनट देना है वो नहीं देना है। हम जब भी फेशियल के लिए क्लीनअप दे रहे हैं, क्लिंजिंग मिल्क का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कम से कम 5 मिनट से 7 मिनट तक क्लिंजिंग करनी है। तो अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर 5 से 7 मिनट की है क्लिंजिंग। उसके बाद मैं कर रही हूँ स्क्रब, तो मैंने लिया है स्क्रब। इसका स्क्रब जो है बहुत ही हार्ड है, उसके दाने जो हैं वो काफ़ी मोटे मोटे और काफ़ी मतलब चुभते से हैं, इसीलिए मैं बहुत ही लाइटली हाथों से यहाँ पर करूँगी स्क्रब। आप अगर कॉस्मो का फेशियल दे रहे हो अपने क्लाइंट को पार्लर में, तो अगर आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है और आप उसको कॉस्मो का फेशियल दे रहे हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप उसको कॉस्मो का स्क्रब ना दो, आप कोई और ब्रांड का स्क्रब उसमें यूज़ कर लीजिए। वैसे फेशियल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका स्क्रब थोड़ा सा हार्ड है, सो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। तो मैं यहाँ पर बहुत ही लाइटली हाथों से अच्छे से अपने क्लाइंट को स्क्रब दूंगी। आप देखिए, आप जो भी मैं स्टेप कर रही हूँ आपको उसी तरीके से वही स्टेप फॉलो करने हैं। आप कभी भी कोई भी वीडियो देखते हो, आपको कोई चीज़ सीखते हो, उसको आपको ज़रूर ट्राई करना है, खुद से ज़रूर करना है, तभी आप सीख पाओगे। अदरवाइज़ आप कितना भी देखते रहिए, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको हाथों की मूवमेंट देखनी है और उसी तरीके से करना है। तो आप चाहो तो अपने घुटनों पर इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, जब तक कि आप किसी और के फेस पर नहीं कर रहे हो। हमें आइस को बिल्कुल अवॉइड करना है जब भी हम स्क्रब दे रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी ब्रांड का हो, कोई कैसा भी स्क्रब हो, हमेशा हमें आँखों से बचाते हुए स्क्रब करना होता है। और हमें ज़्यादातर फोकस करना होता है चिन एरिया पर और नोज़ पर। तो अच्छे तरीके से कर लेंगे स्क्रब, ताकि अच्छे तरीके से जो भी पोर्ट्स में जो भी डस्ट या पॉल्यूशन भरा हो और ब्लैक हेड्स, वाइट्स हो, वाइट हेड्स जहाँ भी हो, वो अच्छे से रिमूव हो जाएं। तो हम अच्छे तरीके से इस तरीके से उनकी नोज़ पर भी दे लेंगे, और क्लाइंट को एक बार ज़रूर पूछ लेंगे आप कि क्या उन्हें ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है, या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आप कितना प्रेशर दे रहे हो, उतना उनके लिए पर्याप्त है या नहीं, आप ये भी अपने क्लाइंट से ज़रूर पूछोगे। सो उसके बाद आप अच्छे तरीके से करने के बाद आप इस तरीके से रिमूव कर लीजिए। आपको स्क्रब को अच्छे से रिमूव करना है, अच्छे तरीके से आपको 2 से 3 बार आपको इस तरीके से टिश्यू पेपर से क्लीन करना है, क्योंकि उसके जो भी दाने होते हैं एक बार में फेस से नहीं हटते हैं। तो आपको 1-2 बार अच्छे से क्लीन करोगे तभी वो फेस से हटेंगे, ताकि आप जब भी अगला स्टेप करो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें वो दाने। क्योंकि जब भी हम क्रीम या मसाज यूज़ करते हैं तो काफ़ी थोड़े प्रेशर के साथ करते हैं, तो उससे अगर कोई भी एक भी दाना आपके फेस पर चुभेगा तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप रिलैक्स होने की वजह है परेशान हो जाओगे। सो अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने इस तरीके से टॉवल से क्लीन कर लिया है, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा रह गया हो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पर इनके ब्लैक हेड्स निकाल रही हूँ। इनके नोज़ पर थोड़े थोड़े से ब्लैक हेड्स थे, तो मैं उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से रिमूव कर लूँगी। आप चाहो तो स्टीम दे सकते हो यहाँ पर, जब भी आप स्क्रब कर रहे हो तो आप इस अच्छे तरीके से स्टीम दे लीजिए, और उसके बाद आप किसी के ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकालेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेंगे। अगर किसी को ज़्यादा हैं तो उस तरीके से, यहाँ पर इनको ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, तो इसीलिए मैंने
स्टीम को किया है अवॉइड, और मैंने नॉर्मली आपको सिर्फ फेशियल के स्टेप बताए हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसीलिए, और मैंने काफ़ी कट कर कर करके किया है, सिर्फ आपको समझाने की वजह से मैंने इसकी स्पीड को भी नहीं बढ़ाया है। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो इसीलिए आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, मुझे उसकी भी बहुत खुशी होती है जब भी आप कमेंट करके पूछते हो। मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि मैं पूरा फेशियल दिखाऊं, तो ये फेशियल मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर ही डाला है। सो आप जो भी मुझे कमेंट में बोलोगे कि मैं आपके लिए ये चीज़ डालूं, मैं वो चीज़ ज़रूर डालूंगी। जो वो भी वो पार्लर से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी बात हो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से कर लोगे। और गाउन का क्या है, मार्केट में भी गाउन आते हैं, हम वो गाउन अपने क्लाइंट को दे तो वो कैरी नहीं करते क्योंकि थोड़ा शाय लगता है उन्हें, और छोटी सिटीज़ में उस तरीके गाउन हर कोई नहीं पहनता है। इसीलिए आप अपने पार्लर में इस तरीके के गाउन रखिए, तो आप अच्छे तरीके से पूरी नोज से ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स निकालने के बाद आप मसाज क्रीम का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप मसाज क्रीम ले लीजिए। आप मसाज क्रीम मैंने बहुत से पार्लरों पे देखा है बहुत ही थोड़ी सी लेते हैं, एक स्पून लिया उन्होंने, एक स्पैचुला, और उतने में पानी लगा लगा के मसाज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको इतना मसाज क्रीम लेना है कि आपका फेस और आपकी नेक अच्छे से कवर हो जाए और आपको पानी की बिल्कुल भी नीड ना लगे। तो क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपसे अगर फेशियल करवा रहा है, नॉर्मल सी बात है, वो आपको 800, 900, 1000, 1500 रुपए दे रहा है, तो कम से कम आप उस पर उतना प्रोडक्ट तो यूज़ कीजिए। सो ताकि आपका क्लाइंट खुश हो, उसको रिज़ल्ट अच्छा मिले। अगर उसे रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा तो आपको भी रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। सो इसीलिए ऑनेस्टी से काम कीजिए, बहुत ज़्यादा लालच में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैं कभी भी कोई भी कंजूसी नहीं करती हूँ प्रोडक्ट के मामले में, बस मुझे चाहिए कि मेरा क्लाइंट खुश हो। मेरा क्लाइंट खुश होगा तो मैं खुश हूँ, वो मुझे बता के जाता है कि आपका काम अच्छा है तो मुझे उसकी भी बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए आप इस तरीके से फेशियल की मसाज जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम जनरल स्टॉक की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। पहले हम जनरल स्टॉक करते हैं, उसके बाद हम इस तरीके से प्रेशर पॉइंट दबा के और फिर हम आगे के स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो हम फिर छोटे छोटे स्ट्रोक्स में इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए नेक को कवर करके चलेंगे और अपलिफ्टिंग के साथ हम इस तरीके से मसाज देते जाएंगे। अगर आप कहीं भी कोई भी स्टेप भूल जाते हो तो आपको फिर भी अपने हाथों की मूवमेंट को नहीं रोकना है, अपने हाथों की मूवमेंट को चलाते रहिए, बस आपको क्लाइंट को रिलैक्स रखना है। और आपको जो स्टेप याद आता जाए, ज़रूरी नहीं कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि इसके बाद ये होता है। आप बस अपने हाथों को जारी रखिए, चलाते रहिए, जो भी स्टेप आपको याद हैं आप उन स्टेप्स के साथ कीजिए। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से छोटे छोटे स्ट्रोक की हेल्प से चिन एरिया पर, लाफिंग लाइन पर, और अच्छे तरीके से आप करते जाएंगे, और उनकी नेक पर भी आपको क्लाइंट की नेक को, बैक को, हैंड को, सबको कवर करना है। अभी हम नेक पर अच्छे तरीके से मसाज दे लेंगे। तो आप अच्छे तरीके से दीजिए मसाज को और टाइम लेके चलिए। जब भी आप फेशियल कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको टाइम लेके चलना होगा, और जब भी आप क्रीम की मसाज देते हो हमेशा आपको 15 से 20 मिनट तो देना ही है। मैं समथिंग 15 से 18 मिनट तक तो ज़रूर ही देती हूँ, चाहे मैं कितनी भी जल्दी में क्यों ना हूँ, फिर भी मैं इतना तो देती ही हूँ। सो आप भी इसी तरीके से अगर आप अपना पार्लर ग्रो करना चाहते हो तो आपको पहले अच्छे तरीके से मसाज के सारे स्टेप सीख लेने होंगे। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपको मेरे हैंड की मूवमेंट को ध्यान रखना है। अब आप देखिए, आप जो भी क्रीम है, मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है इस जगह पे वीडियो, लेकिन
मैंने कोई रिमूव नहीं किया है क्रीम को, क्रीम अच्छे तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ जापानीज पैन स्टॉक, और इस तरीके से आप कर लेंगे। इनकी एज 30+ थी, तो मैं कुछ कुछ स्टेप्स देके अपलिफ्टिंग के दे रही हूँ, तो आप इस तरीके से अपलिफ्टिंग के स्टेप भी लीजिए। और मैं एक बार फिर कहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और जो भी गलती मैंने कहीं पर की हो सो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता। और मैं भी अभी बस धीरे धीरे करके अपना तजुर्बा इकट्ठा कर रही हूँ। तो जब भी आप पिंचिंग करते हो फेस पर, आपको पिंचिंग करने हैं, आपको अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हुए पिंचिंग का स्टेप स्टार्ट करना है। और जब भी आप पिंचिंग करते हो आपको पैटिंग भी ज़रूर करनी है। इससे क्या होता है, हमारी स्किन में वाइब्रेशन होता है और हमारे हमें रिलैक्स फील होता है। और जो भी हमारे खून की नसें होती हैं जिनमें खून की चाल थोड़ी स्पीड से हो जाती है, और हमारे स्किन पर ग्लो ऑटोमेटिकली आने लगता है। सो आपको पिंचिंग के बाद करना है पैटिंग, और इस तरीके से आपको अपलिफ्टिंग के सारे स्टेप्स देने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आपको इस तरीके से अपलिफ्टिंग करते हुए आगे फेस की तरफ आना है। और फिर धीरे धीरे जब आपकी क्रीम स्किन में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो बहुत ही ऑयल रिलीज़ कर देगी, तो आपके हाथों को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहो तो उससे और भी 20 मिनट मसाज दे सकते हो, इतना ऑयल रिलीज़ कर देती है। आपको पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको आपके फेशियल में बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए है तो आप बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे। आपको अच्छे से स्किन में क्रीम एब्जॉर्ब करवा दीजिए, उसके बाद क्रीम अपने आप ही ऑयल छोड़ देती है फेस पर, तो आप बहुत आराम से हाथों को चला पाएंगे। और फिर आप थोड़ा सा हाथों को स्पीड को थोड़ा सा हल्का कीजिए, और रिलैक्स करते हुए क्लाइंट को इस तरीके से आप जो भी उनके प्रेशर पॉइंट हैं उनको दबाते हुए इस तरीके से धीरे धीरे उनको मसाज दीजिए। आपको इस तरीके से मसाज देने कि क्लाइंट बिल्कुल सोने की स्थिति में पहुंच जाए, बस उसको मज़ा आ जाएगा, ये समझ लीजिए आप। तो आपको बहुत आराम से धीरे धीरे करके आईब्रोज पर इस तरीके से अपलिफ्ट करते हुए पिंचिंग करनी है। और आईब्रोज के एंड पर जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पर आईब्रो की कर रही हूँ पिंचिंग। इससे हमें बहुत ही रिलैक्स फील होता है, जब भी हम क्लाइंट को करते हैं तो क्लाइंट को भी बहुत रिलैक्स फील होता है, जिस पे भी आप फेशियल करते हो उसको ही रिलैक्स फील होता है। तो आप ईयर के पीछे की साइड जो हमारा प्रेशर पॉइंट होता है उस पे आप इस तरीके से प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरा हाथ कितना ही स्मूथली चल रहा है, मैंने एक बार भी कहीं पर भी आपने देखा नहीं होगा कि मैंने कोई पानी या कोई रोज़ वाटर यूज़ किया हो, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और मैं यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी फेशियल में पानी या रोज़ वाटर कुछ भी, मैं हमेशा क्रीम को इतना रखती हूँ कि फेशियल बहुत ही अच्छे तरीके से और मुझे कोई भी वाटर की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इस तरीके से ईयर के पीछे इस तरीके से प्रेस करते हुए हल्का हल्का सा हाथों को ऊपर उठाते हुए स्टॉक करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं कर रही हूँ, आप बस वैसे ही करते जाइए। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो भी फेशियल के स्टेप होते हैं वो सारे नाम के साथ आपको बताऊंगी कि ये स्टेप ये होता है और इससे हमें क्लाइंट को ये फ़ायदा होता है, तो वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आप बहुत आराम से इस तरीके से धीमे धीमे अपने हाथों पर थोड़ा सा फिंगर पर प्रेशर देते हुए फिंगर टिप्स की हेल्प से इस तरीके से आप क्लाइंट को बस रिलैक्स करते जाइए। अच्छे से अपने मसाज की मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। और आपको नेक पर और बैक पर भी जब आप मसाज करते हैं, अगर आप ये वाला क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते और आपको उतना पेमेंट नहीं मिल रहा है जितना आप सोच रहे हो, तो फिर आप बैक साइड पर कोई और मसाज क्रीम यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको जब भी आप फेशियल देते हो आपको बैक साइड पर भी ज़रूर मसाज देना है।
सो आप बैक साइड पर भी ज़रूर मसाज दीजिए। मैं अपना फेस का कंप्लीट करने के बाद और फ्रंट नेक पर कंप्लीट करने के बाद बैक साइड में इस तरीके से मसाज दूंगी। सो आप कम से कम, आप जब भी बैक पर मसाज दे रहे हैं सो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट बैक पर मसाज देना है, और अच्छे तरीके से आपको जो हमारे नेक के पास जो हड्डी होती है उसको आपको अच्छे से प्रेशर करते हुए मसाज देना है। मैंने 3 मिनट दी थी बैक पर मसाज, और उसके बाद मैं जनरल स्टॉक करूँगी 3 टाइम और अपने मसाज को कम्प्लीट करूँगी और लॉक करूँगी। उसके बाद हम आगे का स्टेप स्टार्ट करेंगे। सो हमारे जितने भी प्रेशर पॉइंट होते हैं हम उनको ज़रूर प्रेस करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हुए और मसाज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर फेस पैक लिया है, और मैं आपको कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी हम फेस पैक यूज़ करते हैं तो हमेशा ईयर से चिन की तरफ करते हैं, नीचे की तरफ। कभी भी हमें ऊपर की तरफ फेस पैक नहीं लगाना चाहिए, हमें हमेशा नीचे की तरफ फेस पैक लगाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं फेस पैक लगा लूँगी पूरे फेस पर अच्छे तरीके से। और हमेशा जब भी आप फेस पैक ले रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो कम से कम इतना लीजिए ताकि आपका फेस और नेक आपके क्लाइंट की अच्छे से कवर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर उनका फेस पैक यू लगाने के बाद और उनकी आँखों पर रोज़ वाटर से स्प्रे करके कॉटन रख दिया है, और उसके बाद मैं जब तक आपका फेस पैक ड्राई हो रहा है आप 15 मिनट के लिए रख रहे हो, उतनी देर में मैं उन्हें हैंड्स पर भी मसाज दे लूँगी, क्योंकि मैं अपने फेशियल में हैंड पर मसाज ज़रूर देती हूँ। हैंड पर और पैरों पर, हाफ पैरों पर मसाज ज़रूर देती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन होता है और क्लाइंट को भी ऐसा लगता है कि उसने पैसे वेस्ट नहीं किए, और क्लाइंट हमेशा मुझसे खुश होकर जाता है, वो हमेशा तारीफ़ करता है कि आपका फेशियल बहुत अच्छा है। सो आप भी अपने पार्लर पर इसी तरीके से अगर फेशियल दोगे तो आपका क्लाइंट भी आपसे बहुत खुश होगा, और इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ अगर आप इस तरीके से देते हो तो। हमेशा आप इस तरीके से ही फेशियल कीजिए। अगर आपका आप बहुत ज़्यादा अमाउंट कम ले रहे हो, 300, 400, 500 ले रहे हो, अगर मतलब 300 तक तो कोई फेशियल होता ही नहीं है लेकिन 400-500 तक ले रहे हो, तो आप भले हाथों पर और पैरों पर मसाज मत दीजिए। तो मैं यहाँ अच्छे तरीके से दे लूँगी मसाज। तो हैंड मसाज के जितने भी स्टेप होते हैं हम उनको फॉलो करते हुए सारे स्ट्रोक्स को करेंगे, और 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से हैंड्स पर मसाज दे लेंगे। जैसे हमने इस वाले हाथ पर उनके मसाज दी है उसी तरीके से हम दूसरे हाथ पर भी मसाज दे लेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताना मुझे। उसके बाद 10 से 12 मिनट होने के बाद जब आपका फेस पैक ड्राई हो जाए तो आप इस तरीके से स्प्रे कर लीजिए रोज़ वाटर से, या फिर अगर आप रोज़ वाटर से नहीं करना चाहते तो आप अपने हाथों को पानी से डिप करके या पानी का स्प्रे करने के बाद इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। थोड़ा सा मसाज देने के बाद आप अच्छे तरीके से आपका फेस पैक निकल आएगा। तो आप 1 मिनट बस आप काफ़ी है, 1 मिनट आप मसाज दे लीजिए क्लाइंट के फेस पर और उनके फेस पैक को अच्छे से रिमूव कर लीजिए। सो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपके क्लाइंट के फेस पर, और क्लाइंट को भी सेटिस्फेक्शन होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप फाइनल रिज़ल्ट ज़रूर देखिए कि उनके फेस पर फाइनल रिज़ल्ट क्या रहा। सो राधे राधे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।